सो ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि अशोक लीलैंड ने लिफ्ट वाली ही गाड़ी बनाई थी विदाउट लिफ्ट। जय श्री राम दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका मेरे इस व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, मेरी तरह सुस्त नहीं होंगे। तो दोस्तों बज रहे हैं सुबह के 12, मतलब कि दिन के 12, और नहीं आज तो मैं जल्दी उठ गया था। हूँ मैं रोपड़ में, अगर मैं आपको बाहर का सीन दिखाऊँ तो देख सकते हो आप लोग इधर उधर, अभी बहुत है, मैं दिखाता हूँ आपको बाहर निकल के। तो चक्कर क्या है दोस्तों कि ऐसे तो मैं सोया था क्योंकि यहाँ पे जाम लगा, मैं रात को पहुँच गया था, पर अब सोचा कि चलो आपके लिए आज करते हैं रिव्यू वीडियो एक। तो करते हैं स्टार्ट, पहले बाहर चलते हैं उसके बाद अंदर आएंगे, क्योंकि दोस्तों गर्मी बहुत ज्यादा है, 40 के आसपास या उससे ऊपर का टेम्परेचर है। तो पहले बाहर का रिव्यू जल्दी जल्दी करते हैं, उसके बाद अंदर का निपटाते हैं। तो दोस्तों करते हैं शुरुआत, ये है अशोक लीलैंड 2019 मॉडल BS4 भारत स्टेज 4 18। तो ये 12 चक्का है ना कि 10 चक्का, मेरी गाड़ी की तरह नहीं है, 12 चक्का है, अभी नई गाड़ी है, बिल्कुल नई गाड़ी पड़ी हुई तालाघाट में चलती है। और बात करूँ अगर मैं इसके इंजन की, तो इंजन बड़ा कमाल है यार। अब ये यार देखो, यहाँ से खोलूँगा तो आपको मैं सब कुछ नहीं बता पाऊँगा कि सब कुछ, क्योंकि सेम एज यूजुअल जैसे टाटा की गाड़ी में, यहाँ पे रेडिएटर है, फिर ऊपर वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, कूलेंट पड़ता है, ये भी क्योंकि इलेक्ट्रो ही है सारा। तो बात करेंगे इसके हम जो नीचे वाले हिस्से की है, वहाँ चलते हैं, वहाँ की बात करते हैं ना। देखो दोस्तों इंजन का क्या किसी क्या सीन है, देखो आपको दिख रहा होगा ऊपर, ये देखिए ये सारा कवर अप है, इसकी वजह से ज़्यादा हीटिंग नहीं गाड़ी में, मतलब अंदर से ज़्यादा हीट नहीं हो पाती नहीं है। और ये जो ये देख रहे हो आप लोग, ये जिन लोगों को इसके बारे में पता है वो मेरे को कमेंट करके बताएंगे, है ना। इसको बोलते हैं ये स्टीयरिंग का होता है मेरे ख्याल हाइड्रोलिक बॉक्स, स्टीयरिंग बक्सा बोलते हैं, मतलब हमारे उसमें स्टीयरिंग बक्सा बोलते हैं, आप लोगों के लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हो मेरे को बताना। और इंजन आप लोग देख लो कितना सूखा पड़ा है, बिल्कुल काम, ये देखिए आप लोग सेम वैसे टाटा की तरह, ये टायर रॉड पीछे एक टायर रॉड होती है, मतलब गाड़ी बहुत कमाल है यार। मतलब इंजन भी देख लो आप, इंजन भी बिल्कुल साफ पड़ा है, टर्बो इंटरकूलर, अगर हम लोग चाहें तो इस गाड़ी में AC फिट करवा सकते हैं, देखते हैं गिल ट्रक वालों से अगर बनेगी बात तो करवाएंगे, है ना। देखो दोस्तों यहाँ पे आप गाड़ी देखोगे कि बिल्कुल अच्छी, बिल्कुल सेट रखी हुई गाड़ी है। तो चलते हैं थोड़ा सा और पीछे, ये गाड़ी भी पूरी करंट वाली है, तो मतलब इसमें भी देखिए आप लोग, जगह तो इतनी है नहीं घुसने के लिए, पर चलो आई ट्राई, मैं घुसता हूँ कहीं से, देखता हूँ जहाँ से जुगाड़ हो पाएगा। टैंक जो फ्यूल टैंक है वो इसमें भी इन लोगों ने प्लास्टिक का दिया है यार, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, पर इसका टाटा के मुकाबले थोड़ा ऊपर है, टाटा ने बहुत नीचे दे रखा है, इसका फ्यूल टैंक थोड़ा ऊपर है, है तो वैसे ये दिक्कत ही, क्योंकि इसके फटने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं, पर ठीक है कुछ सोच के दिया होगा उन लोगों ने भी। तो थोड़ा पीछे चलते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको अगला काम। शिव, चलते हैं गाड़ी के नीचे, देखिए 12 चक्का है तो हिस्सा ऑब्वियसली आगे होगा, थोड़ी लीकेज है गाड़ी में, वो देखिए आप लोग वहाँ पे ये वाला पॉइंट है जो यहाँ लीकेज है, ये क्या होता है कि जो इसकी ऑयल सील है वो लीक हो गई होगी, वो नहीं पड़नी होगी, हिस्सा इसका बड़ा है। ये भी सारी गाड़ी मतलब अगर बात करेंगे तो पूरी ही इलेक्ट्रो है, करंट वाली है, डिजिटल गाड़ी है, पहले कंप्यूटर लगेगा उसके बाद ही पता लगेगा। इसके जो ये वाले टैंक है, एयर टैंक, वो पीछे दिए गए हैं, आगे इन्होंने नहीं रखे, 12 चक्का क्योंकि 6 चक्का होता तब भी पीछे होते, आगे होते हैं क्योंकि 6 चक्का में, 12 चक्का में सारा मैक्सिमम जो गाड़ी इन्होंने पीछे। अब जो नई गाड़ी आ रही है देखो आप, यहाँ पे एयर टैंक इन्होंने सारे, यहाँ जो अब नई गाड़ी आ रही है उनमें जो आपका स्टपनी होती है, स्पेयर टायर होता है गाड़ी में, वो भी यहाँ दिया गया है। चलते हैं थोड़ा और आगे दोस्तों, अगर आप लोगों को इसकी बात करूं, ये जो जुगाड़ है
ऐसे ही नीचे कमानी है, पर हमारे इसको हमारे ट्राले में घोड़े बोलते हैं, आपके उसमें क्या बोलते हैं आप लोग बताना मेरे को। और अगर घुसेंगे यहाँ से थोड़ा यार दिक्कत है यार, मतलब घुस नहीं सकता बंदा। देखो यार छोटे छोटे हैं, है ना। और ये देखो टायर में, आप टायर ने रिम छोड़ दिया है, कड़ा बोलते हैं जिसको। तो ये दिक्कत छः चक्का में तो नहीं है, पर ट्राले में बहुत ज़्यादा दिक्कत है यार। ये जो ये छोड़ते हैं ना, ये एजेंसी वालों से पूछना पड़ेगा। और दोस्तों इसका अगर मैं आपको बात करूं तो इसको मेरे को भी नहीं पता क्या बोलते हैं, हम लोग इसको गुब्बारा ही बोलते हैं, क्योंकि ये लिफ्ट होती है। देखो ये 12 चक्का कैसा है, आपको मैंने महिंद्रा का 12 चक्का बताया था, उसमें क्या था, दो टायर, चार आगे थे चार पीछे थे, इसमें क्या है कि चार आठ दस, दस तो पीछे ही है। ये लिफ्ट का टायर है, मतलब कि ये बटन से डिजिटल है, ऊपर हो जाता है, ऐसे ऊपर हो जाएगा जब आप खाली है, तो आपका ये 10 चक्का बन जाएगा, मतलब 6 चक्की की तरह बिल्कुल नॉर्मल। जबकि ब्रेक की बात करें, जो रनिंग में जब गाड़ी है तो इसमें सबसे ज़्यादा ब्रेक रहती है, इस वाले में ज़्यादातर प्रेशर, क्योंकि बस वेट ज़्यादा होता है 24 टन दोस्तों, रुकने के चांस कम रहते हैं आपको पता है। तो इस वाले लिफ्ट वाले टायर, इनमें ब्रेक सबसे ज़्यादा रहती है, बाकी टायरों में ब्रेक है पर सबसे ज़्यादा इसी में रहती है। और अगर बात करें हम इसकी, इसका तो आप लोगों का नाम पता होगा, मेरे को कमेंट करके बताना, इसको सॉफ्ट बोलते हैं। और अगर बात करें दोस्तों सॉफ्ट की, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया था कि जो टाटा की गाड़ी में होती है उसमें ये चीज़ जो है क्रॉस, इसके टूटने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इनफैक्ट टूटते भी बहुत ज़्यादा है। पर इसमें आप रखोगे लीलैंड की, अशोक लीलैंड की गाड़ी में, इसमें बहुत कम दोस्तों, बहुत कम, बहुत रेयर चांस है कि हाँ ये टूटेगी नहीं, क्योंकि बहुत इन्होंने ना बड़ी दे रखी है। टाटा की गाड़ी में थोड़ी हल्की हल्की होती है, पर चलो ठीक है, टाटा ने कुछ सोच के दी, पर टूटती बहुत ज़्यादा, वो कंप्लेंट बहुत ज़्यादा है। टाटा भी वैसे बहुत अल्टीमेट गाड़ी देता है, पर ये उसमें ना ये इस चीज़ की कंप्लेंट थोड़ी ज़्यादा है। हिस्से की अगर बात करें तो लीलैंड का हिस्सा बहुत कम होगा, अगर होगा भी ना तो आपको कहीं रोड में खड़ा नहीं मिलेगा। इनका हिस्सा अगर हो जाएगा तो ये एजेंसी या मैकेनिक की दुकान तक गाड़ी पहुंचा देती है, दिक्कत नहीं करती। टाटा की गाड़ी अगर मैं टाटा गाड़ी में अगर ये फॉल्ट आ जाता है, हिस्सा हो जाता है, हिस्से में किसी पार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो वहीं पे ही रुक जाती है सड़क में, उसको हम इधर उधर नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो और नुकसान करती है ना दोस्तों। तो चलते हैं थोड़ा और आगे इससे, है ना। एयर फिल्टर की बात करें तो एयर फिल्टर इसका भी हमारी 3925 की तरह यहीं पे है। और ये जुगाड़ दोस्तों टाटा की गाड़ी में, वहां से वो खुलेगा तब जाके ये वहां जाके है रखा हुआ। इसमें देख लो, अगर आपकी गाड़ी हवा ले जाती है तो इसका डीजल फिल्टर बाहर ही है, ये भी मतलब मैक्सिमम जुगाड़ इन्होंने बाहर ही दे रखा है। आप इंजन देखोगे पूरी तरह से कितना साफ पड़ा है, बिल्कुल क्लीन है ना दोस्तों। ऊपर से मैटिंग हुई है तो हीट जाने के चांस बहुत ही कम है। चलते हैं थोड़ा और आगे। एक्चुअली गाड़ी के अंदर घुसने के लिए जगह बहुत कम थी, आप ये देख सकते हो। इसका जो साइलेंसर है वो भी यहाँ से यहाँ आ रहा है, ना कि 6 चक्की की तरह पीछे जा रहा है। ये भी इसमें भी डिजिटल वाला ही काम है, आपको मैंने उसमें टाटा की नई गाड़ी थी आई थी उसमें बताया था। और गियर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से 95 नंबर गियर है या फिर 110 नंबर गियर है, इन दोनों में से एक गियर है। बहुत पावरफुल गियर दोस्तों, बहुत पावरफुल। और देखोगे आप सॉफ्ट सॉफ्ट भी कितनी, वही ना, क्योंकि टाटा वाले थोड़ी कमज़ोर सॉफ्ट देते हैं यार, पता नहीं क्यों। ये किस चीज़ का होगा यार, ये तो मुझे भी नहीं पता। पर इसमें यार अशोक लीलैंड के मुकाबले, ऐसा नहीं है कि मैं टाटा की बुराई कर रहा हूँ, टाटा भी बहुत तगड़ी गाड़ी बनाते हैं, बहुत तगड़ी, पर अशोक लीलैंड की गाड़ी भी बहुत अच्छी है। क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है कि टाटा की गाड़ियों के चक्के जो आप जब चलते हो, मतलब जैसे हम मैं कभी कभी आता हूँ तो रेस्ट देता हूँ, टाटा की गाड़ी के चक्के जल्दी गर्म हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू लीलैंड। पर हाँ, टाटा की गाड़ी का जो बेस्ट है वो ये है कि टाटा की गाड़ी ब्रेक नहीं छोड़ती, ये गाड़ी इनकी जो क्या कहते हैं उसको, एमरजेंसी ब्रेक, वो कमज़ोर है थोड़ी, एमरजेंसी ब्रेक टाटा रुक जाती है, ये गाड़ी मतलब बहुत कम चांस है रुकने के, मैंने ऐसे देखा भी है और नोटिस भी, क्योंकि मेरे साथ एक बार एक केस हो चुका है ऐसा। तो चलते हैं थोड़ा अंदर की तरफ दोस्तों, यहाँ का तो मैंने जितना मोटा मोटा मेरे को पता था वो मैंने आपको बता दिया, थोड़ा अब अंदर इंटीरियर की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें सेम ही है, थोड़ा सा साइज में फर्क होगा या कुछ नाम में फर्क होगा, बाकी ये जो आपको दिख रहा है जैसे किंग पिन हो गई, टायर रॉड हो गई, ब्रेक बूस्टर हो गया, बाकी गियर हो गया, सॉफ्ट हो गई, ये होते सेम ही है सब गाड़ियों में, पर फर्क होता है इनकी क्वालिटी का, इनके ब्रांड का, किस कंपनी के हैं, है ना। तो चलते हैं थोड़ा अंदर दोस्तों, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। हाँ गर्मी है यहाँ पे,
रोपड़ में यार गर्मी है, आप लोग देख रहे हो पसीना पड़ गया यार। तो अगर बात करें हम गाड़ी के अंदर से, तो अंदर इसमें भी पूरी गाड़ी में वाइट जो सनमाइका है वो लगा है। पटियाला में इसका काम हुआ है, आप देख रहे होंगे अंदर से गाड़ी का गियर लीवर भी इसका कुछ टाटा से अलग है। और ये देख सकते हो यहाँ पे आप ब्रेक ऑयल, हमारी टाटा की गाड़ियों में यहाँ होता है, ये यहाँ है ना। नीचे देखोगे आप तो वही, इसमें देखो कितनी तारे हैं, क्योंकि पुरानी गाड़ी भी है यार 2000 कितनी 17 मॉडल मैंने आपको बताई, देखो। और नीचे वही, और देखो आप यहाँ देख सकते हो। हाँ, इसमें एक बात है दोस्तों कि ये गाड़ी प्रेशर क्लच है। हमारी जो लीलैंड की पुरानी गाड़ियाँ थी वो नॉर्मल क्लच थी, मतलब उसमें जोर लगता था, ये बिल्कुल प्रेशर क्लच है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो देखना, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ बिल्कुल प्यार से, आवाज भी आई होगी। और ये रही इसकी ब्रेक, और ये रहा एक्सेलेरेटर, और ये सेम एज जो पुरानी अशोक लीलैंड की गाड़ी, उसमें इस साइड कोई ऐसा हैंडल नहीं है, सिर्फ ये एक तरफ कोई है, पर इसमें फिर भी डबल हैंडल है, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे लाइट अप डाउन हॉर्न ये वो सो है ना, टोटल वाइपर वीपर यहीं से ही है। और ये है भी ABS गाड़ी, आप देख सकते हो ABS का बटन इसमें भी है। हाँ, इसमें जैसे हमारे महिंद्रा और टाटा की नई गाड़ियों में है जो क्या बोलते हैं उसको, पावर वाले बटन है, हैवी लो और मीडियम, तो वो इसमें नहीं है। और अक्सर सबकी तरह इसमें भी AC वाला पॉइंट दे रखा है, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं है ये, क्योंकि गर्मी हवा देता है। तो चेक करते हैं पहले एक बार मीटर इसका, है ना, मीटर करते हैं ऑन इसका। ये देखिए आप, नॉर्मल मीटर है, कोई ऐसा ज़्यादा नहीं है जैसा टाटा की गाड़ी में, बिल्कुल सादा सा मीटर है, देखिए बिल्कुल नॉर्मल मीटर जैसा हमारी 3925 का है। गाड़ी दोस्तों, गाड़ी की बात करूँ तो गाड़ी ये भी बहुत अच्छी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये गाड़ी माड़ी है या कुछ भी, ये गाड़ी भी बहुत बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने अशोक लीलैंड की गाड़ी खुद चलाई 1-1.5 साल। मेरे को अशोक लीलैंड, मेरे को वो मज़ा टाटा में नहीं आया जो मेरे को अशोक लीलैंड में आया। मैं टाटा की बुराई नहीं कर रहा हूँ, टाटा भी बहुत अच्छी है, हर कंपनी बहुत अच्छी है, पर मेरे को लीलैंड, अशोक लीलैंड मेरे को ऐसी लगी यार कि हाँ यार ये गाड़ी, मतलब कोई बंदा अगर मान लो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहा है, किसके पास इतना बैकअप नहीं है, तो वो अशोक लीलैंड की गाड़ी ले यार, काम भी कम है और मुनाफा भी ज़्यादा है, ये तेल एवरेज भी बहुत अच्छी देती है। बाकी आप लोग क्या सोचते हो मेरे को कमेंट करके बताना है ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वही होगा, क्योंकि मैंने तो वैसे टाटा की भी चलाई है, महिंद्रा की भी चलाई है, आयशर की भी चलाई है, ये अशोक लीलैंड की भी चलाई है। ये 12 चक्का है, 6 चक्का अलग है, 12 चक्का अलग है। और बड़ी बड़ी, कुछ लोग जैसे बोलते हैं कि भाई सिग्ना किबना हो या प्राइमा, तो भाई जहां मैं रहता हूँ ना यार, मैं पहाड़ों में रहता हूँ, वहां पे आपके ये सिग्ना हो गए, ये प्राइमा हो गए, प्राइमा है एक, अगर बनेगा तो मैं बनाऊंगा उसका, हमारे यहाँ नहीं चलते, हमारे यहाँ यही 12 चक्का मैक्सिमम 14 चक्का, पर 14 चक्का भी नहीं मिलता, क्योंकि मैं हिमाचल से हूँ पहाड़ों से, तो यहाँ चांस कम रहते हैं। अगर हाँ, बाय द वे मैं कहीं बाहर जाऊँगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए बनाऊँगा। अगर मैं आप लोगों को बाहर का सीन दिखाऊँ तो बाहर का आप देखोगे तो देखिए जाम लगा है यार, मतलब कि ऊपर से धूप इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, मैं पूरी तरह से परेशान हो गया हूँ। मैं कल आया था, अभी मैं एक और आपको बात बताऊँगा, पर चलो कोई ना, उसको मैं बताऊँगा अगले ब्लॉग में। अभी के लिए आप लोग गाड़ी देख लीजिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये गाड़ी आपको पसंद आई होगी, है ना, मुझे बड़ी पसंद है यार ये गाड़ी कसम से। सो ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि अशोक लीलैंड ने लिफ्ट वाली ही गाड़ी बनाई थी, विदाउट लिफ्ट भी अशोक लीलैंड ने गाड़ी बनाई थी या बनाई है या बना रहे हैं। आप देख सकते हो ये विदाउट लिफ्ट गाड़ी है अशोक लीलैंड की, और वह कमाल इसका काम है, आपको मैं इधर उधर से दिखाऊँ अगर। ये बिना लिफ्ट से है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करो, कमेंट करो, और आप लोगों को क्या लगता है वो मेरे को ज़रूर बताना, क्योंकि अपनी जो आपकी थिंकिंग है वो भी मुझे बताना कि भाई ऐसा नहीं ऐसा, ठीक है, क्योंकि आप लोग भी मुझे सिखाते हो, मैं गाड़ियों से भी सीखता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं परिपूर्ण हूँ, है ना, क्योंकि मैं भी एक, अभी मेरी भी उम्र ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो मैं भी सीख रहा हूँ धीरे धीरे। कुछ बातें आप सिखाते हो, कुछ बातें गाड़ी सिखाती है, कुछ बातें और उस्ताद लोग सिखाते हैं, तो आप लोग की जो है कि भाई ऐसा भी हो सकता है, आप ऐसा भी बता सकते हो मेरे को, आप लोग बताना, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलना। और दोस्तों सबसे ज़रूरी बात, सब्सक्राइब कर दो यार चैनल, है ना। थैंक यू सो मच। अभी के लिए जय श्री राम, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।